नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। ले चलते हैं आपको चमोली की ओर। उत्तराखंड का गठन हुए तो 20 साल बीत गए, पर जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सीमांत गांव सूखी और भलगांव के ग्रामीणों का सड़क का सपना आज तक सपना ही बना हुआ है। सरकारें तो कई आई और कई चली गई, पर इन ग्रामीणों के दर्द को किसी सरकार ने नहीं समझा। अब ग्रामीणों ने नारा लगा दिया है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। चमोली से सोनू नियाल की रिपोर्ट। धन्यवाद। ताल पटे हमारे रोड बस रोपटो ऊपर खापड़ कर दिया हम कई टन का परेशान हुआ नो तो रोड का ना बार बार मंत्री का विधायक का कोई कुछ नहीं कह सकना। हम बहुत परेशान हुए हैं। हम बहुत ये जनजाति लोग से बहुत परेशान कौन हम के हम बहुत परेशान हुए। हमको सबसे पहले रोड होना चाहिए नी कहे व्यवस्था होना चाहिए ना वहाँ स्विच पट्टी बरियाती सब तब होटल में अबल होटल में काम बहुत परेशान हुआ कहते खर्च बैठना मन के। अरे मांगो हमारा रोड एक तो हमको बहुत व्यवस्था थे सेठ आ जाए रोड में ताकि बरिया कर रहा है हमको तो ये बहुत घाट बैठू हम कल रोड होना चाहिए उक सुख किन ये सब कुछ। इसलिए हमें यहाँ रोड जरूर चाहिए। बिना रोड से हमारे बस का तो है नहीं। कभी बीमारी लगे दुख लगे तो कहाँ से किस में जाएंगे हम पैदल। अब जब ज्यादा बीमार हो तो कैसे पैदल चले हम। इसलिए हमें रोड जरूर चाहिए। अगर ना देंगे तो सरकार भी काय करे भैया हम भी काय करे हाँ। पर हमें रोड इमरजेंसी चाहिए। अब यहाँ तक मैं 4-5 किलोमीटर दूर कहाँ तक पैदल चले हम। के लोग शासन प्रशासन ज्ञापन थक चुके हैं परंतु आज तक इसमें सुनवाई नहीं हो पाई जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और हम भी काफी परेशान हैं कि गाँव के लोग हमें बार बार ये कहते हैं कि हमारा काम कहाँ हो रहा है, सड़क कहाँ आ रही है, सड़क कहाँ आ रही है। हम भी परेशान हो चुके हैं जिससे कि हम लोगों ने इस वर्ष शीतकाल में सीमांत घाटी के जितने भी तमाम जो लोग हैं हम लोगों ने ग्राम पंचायत तोलमा और सुखी भलगांव में मिलकर इस वर्ष शीतकाल में सैठोटा में जो सीमांत एरिया है हमारा जो बड़े इलाका है हम यहाँ से आंदोलन शुरू करेंगे और तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक यहाँ कार्य हम जमीनी स्तर पर नहीं दिख जाता है। तब तक हम पूरा क्षेत्र बहिष्कार करेगा और आने वाले भविष्य में चुनावी जो बहिष्कार हैं वही चुनावी आने वाले हैं 2022 में। तो मैं आशा करता हूं कि 22 से पूर्व में इन क्षेत्रों में जितने भी जन हमारे क्षेत्र हैं गांव हैं ये सड़क से जुड़ जाए अन्यथा हमें विवश होकर चुनाव बहिष्कार करना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन को लेनी पड़ेगी और संपूर्ण जिम्मेदारी। और हो सकता है कि हम अगर डैम का लेवल कूद करें तो हम कर लेंगे। अगर हमें अपने गाय बछड़ों के साथ जाना पड़े तो हम जाएंगे क्योंकि ये पीड़ा आज की पीड़ा नहीं 28 सालों की पीड़ा है। आज हमारे कई लोग जो बच्चे थे होंगे 1993 में आज वो जवान हो चुके हैं। मैं उस गांव का प्रधान हूँ। 1993 मेरा जन्म हुआ है परंतु आज 28 साल हो चुके हैं मैं उस गाँव।